So, बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारे मोटिवेशन का क्या राज है, तो मैं दिखाता हूँ। So, guys, ये है मेरे मोटिवेशन का सोर्स। Alright, so hey guys, what up everybody, it's me Aditya Taneja, back in a new video, baby. So guys, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने वीडियो पे। So, वीडियो का टॉपिक देखे तुम्हें पता चली गया होगा कि वीडियो किस पे बनने वाली है। So guys, आज का ये टॉपिक है कि आज मैं आपको वो पांच एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे मैंने अपने बैक को ट्रेन किया है, और तुम उस पांच एक्सरसाइज से तुम अपने बैक में प्रॉपर शेप और साइज लेके आ सकते हो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर तुम्हें अपने बैक में वी शेप चाहिए, परफेक्ट वी शेप, तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो है वो है पुलअप्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह से करना है मैं वो बताता हूँ, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज को पांच बेस्ट एक्सरसाइज में वो नहीं जोड़ूंगा। ओके, सो लेट्स गो। पुलअप करने टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग ऊपर जा रहे होंगे तो हमें 3 सेकंड का गैप लेना है, 3 सेकंड का रेस्ट फिर रिलीज, 3 सेकंड का रेस्ट फिर रिलीज। मैं दिखाता हूं, लाइक दिस, ऑल द वे अप, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, होल्ड, रिलीज, लाइक दिस। ओके, ओके, सो गाइज, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी रिवर्स लैग पुल डाउन। सो ये, सो हमें इस तरह से पकड़ने बार को, ये इस दाग पे हमें अच्छे से नीचे लाके होल्ड करना है, लाइक दिस। करने टाइम हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, परफेक्ट लेके आना है नीचे, फिर रिलीज करना है धीरे, जितना धीरे करोगे उतना अच्छे से तुम्हारे बॉडी में पंप आएगा। ओके, सो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो है बारबर बेंड ओवर रो। सो हमें कैसे परफॉर्म करना है वो मैं बता दूं आपको। सो हमें अपने हैंड को इस तरह से लेना है अंदर की ओर, और इसे लिफ्ट करना है। So guys, इसमें भी तुम्हें ध्यान रखना है कि ज्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, अपने हिसाब से तुम्हें वेट उठाना है, और इसे परफेक्ट वे में तुम्हें लाके यहां तक टच करना है, फिर रिलीज करना है, टच रिलीज। बहुत लोग क्या गलती करते हैं इस वर्कआउट का करने टाइम, ये अपने वो कमर निकाल लेते हैं, इस तरह से करते हैं, लाइक दिस। ये गलत वे है, इसे हमें अंदर रखना है, इसे अंदर, चेस्ट अप, यू हैव टू पुल इट एंड रिलीज। ओके, दैट्स ऑल। सो गाइस, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो है सिंगल हैंड डंबल रोइंग। सो कैसे परफॉर्म करना है वो मैं दिखाता हूँ। पूरा ऊपर लेके आना है, एंड देन यू हैव टू रिलीज इट। चौथे एक्सरसाइज की तरफ, जो है टी बार रो। सो उस एक्सरसाइज का हमें लेना है 4 सेट और 12 रैप्स। सो लेट्स गो।
सो गाइस बहुत लोगों के जिम में ये मशीन नहीं है, तो अगर तुम लोग के पास मशीन नहीं है तो तुम लोग ओल्ड स्कूल टी बार वो कर सकते हो। ओके सो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से होल्ड करना है, यू हैव टू रिलीज इट एंड फ्लो। सो गाइस हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी केबल बेंड ओवर रो। सो हमें कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये रोप को हमें यहाँ पे होल्ड करना है, चार सेट लेना है और 12 रैप्स लेना है और हमें नॉर्मल वेट लगाना है जितना तुम्हारे बॉडी पे कैपेसिटी हो उठाने का। ओके सो हमारा जो वर्कआउट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारे मोटिवेशन का क्या राज है, तो मैं दिखाता हूँ। सो गाइस ये है मेरे मोटिवेशन का सोर्स। दानी जहन Bam, bro. So guys, हमारा बैक वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अब जिसे भी दूसरा वर्कआउट चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना, मैं दूसरे पे वीडियो बना दूंगा। बैक वर्कआउट पे वीडियो बोल रहे थे सारे कमेंट करके कि बैक वर्कआउट पे वीडियो चाहिए, तो वो बन गई। अब जो वर्कआउट चाहिए होगा तुम कमेंट में बताओ, मैं उस पर बना दूंगा। ओके Show your heart gets dead.